हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले हुई हैं और इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल पर और हमारे अखबार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विवरों को क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहिए था कि सब जने हमका इतना प्यार और सपोर्ट देता है, ये वजह से थैंक यू। अच्छा, ये हमके बताओ, आपको काहे लगल कि भोजपुरी भाषा में हम बनावल जाए वीडियो? अवधी भाषा में ना, जैसे हम पहले औरे फील्ड में रहे, जैसे वीडियो ना बनावत रहे, तब एक टिकटॉक रहा, शॉर्ट वीडियो ऐप रहा, तो ऊपर हम शॉर्ट वीडियो बनावत रहे। पहले नॉर्मल कोनो भी सॉन्ग पे पहले लिपसिंग करत रहे, फिर मतलब एक दिन अचानक हम सोचे काहे ना अपने भाषा में वीडियो बनाए जाए, तो हम बनाए एक शॉर्ट वीडियो कॉमेडी का रहा। तो जब वो वीडियो हम अपलोड करे, सुबेरे करे, समझा कि 1 मिलियन व्यू का रहा, मजे एक लाइक और 7-8 हज़ार सब मतलब फॉलोअर आए रहा उमन। तो फिर मतलब जब अपने के प्यार सपोर्ट मिला था, पब्लिक पसंद करा था, तो अंदर से और मन कहता कि हाँ और काम करी और पब्लिक पसंद करा आगे जाए। तो फिर वही दिन हम सोचे कि अब रेगुलर बनाए, तो डेली बनावत गए और डेली हमार रोज एक एक दिन 10-10 हज़ार फॉलोअर बढ़ा गए टिकटॉक पे। फिर हम ऐसे डेली सुबेरे एक वीडियो डाली और 10-10 मिलियन 5 मिलियन 8 मिलियन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा टिकटॉक पे और पूरा वायरल हो जाए वीडियो हमार। फिर हम यहीं ना रहे कतौ और अपने घरे ना रहे, तभी हूँ हमारे वीडियो वायरल हुआ, सब गांव देश सब देखे लगे ना कि घरे कहो लगेन कि अरे यार तोहार नतीनियाँ तोहार बहनियाँ इसे वीडियो बनावाता वायरल होता। और मतलब बहुत जने बहुत भड़काऊबो के हैं हमारे खुद सगा भाई के, कहें तोहार बहनियाँ ऐसा बनवाता, तो हमारे भाई के बुरा लगे आए कि कहाँ ही कहाँ रोलिया अगर वीडियो बनाए तो हम मतलब घर छोड़ देवे या उसी के बहुत बात ही न करम, मना करे लगेन हमका। तो हम ये ना रहे, मम्मी हमारे है ना उनका फुल सपोर्ट रहा हमें, मतलब वो कहें जवन करबू ठीक है करबू और वीडियो बनाते हो मन कोनो गलत थोड़ी ना करते हो, बस मुँह से तो बोलत है। तो फिर उकरे बाद हम मतलब अवॉइड करे कि सब आज बोला था हम जवन करत है, जब अपने लाइफ में सक्सेस हो जाबाई तब सब खुद ही सपोर्ट करे लगे हमका। अच्छा, ये हमें बताओ, एक आप वीडियो बनाए रहे मोबाइल ना आता तो कुछ वो कैसे भाषा कैसे आप कह रहे थे बताओ? उमन हम ये कह रहे हैं जैसे कॉमेडी कर रहे हैं और गांव में अक्सर होबो कर रहा था ऐसा कि नदी गाड़ू तोहरे कमाई में आग लाग बा धुआं फुटियो वेख मोबाइल ना देवाई पावता है, कहिए से एक डब्बा मोबाइल चलावता ही और हमारे एंड्रॉयड मोबाइल चाहे हमऊ वीडियो देखा भी देखा हमऊ वीडियो बनाई। तो ये वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा, शॉर्ट वीडियो में बनाए रहे यह वायरल भरा और यूट्यूबो पे अपने डाले है यह वह अच्छा रिस्पॉन्स बा चल तो बढ़िया उमन। अच्छा रोली जी बताओ, आप ये वीडियो निकाल दें तो जो जो शादी शुदा बेचारा वो परेशान हो जाए ओके का कहीं बताओ, वो तो गुस्सा हो कौन वीडियो बना दे। हाँ, जिससे शादी शुदा जे बाटा वो सोचा था रोली झूठा ही बनाए दिन मेहरारू मन बड़ा था बड़ा बार मोबाइल मांगा था नहीं वो, बट हम बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाई था कि हु के दिल के ठेस पहुँचाओ, हमारा मकसद ना ही बाटा है, बस आदमी इंजॉय करे हमारे वीडियो से बस। और मतलब हम हमेशा ये चाहे था कि अपन लैंग्वेज और अपन मतलब जौन कल्चर बा, अब हम सोचा था ये कि जौन अपने उरी त्यौहार वगैरह चला था कुल वीडियो बनाए के अपलोड करी ताकि जो बाहर रहते हैं वो सब देखें और सोचे कि हाँ गाँव में ऐसा होता है अब कहे कि कुल खत्म हो चुका बा अवधि वाला धीरे धीरे। अच्छा एक और बताओ, आप एक वीडियो बनाए रहे कि तू हमारे पे कम लाइन मारा था हमारे बहन पे ज्यादा ऊपर का आओ कैसे ना बताओ। मतलब हमें इतना एक्सपीरियंस मिल गया वह फ्रेंड से और बहन वहीन से या फिर गांव का आदमी ऐसा हबई रहबई करते हैं छुछुआ इस लेदर तो छुछुआत रहते हैं सड़ वहीन ज्यादा लाइन मारा थे नापन मेहरारू वैसे सही बता कि मैंने ना भावत ही हमें भावत है तो मैं भावत ना वो मेहरारू देखे तार वीडियो यही वजह से कहता है तू ना ऐसा बात ना है। चलो ठीक अच्छी बात बा ऐसा ना भाव सबके भाव, लेकिन अक्सर आदमी अपने से परेशान हो जाता है और सड़वैनी के नया नया जब शादी पड़ा रहा था तब ज्यादा लाइन नहीं आवत है और एक पत्नी के अंदर ऐसा हमेशा सोच रहा था कि हमें भी जाना है कुछ करता अब हाँ सड़वाइन कहे तो कराए लगभग तो यह वजह से हम कहे हमें बात करे भी ना तो हमें टाइम ही ना आए ना सड़वैनी दिन और रात चिपी आ था चिपरी इस मोले के। अच्छा और मैं ये बताऊँ आप लड़की और लड़की लोग को क्यों गाली देती रहती है वीडियो में देखता हूँ? नहीं लड़के लोग के हम गाली नहीं देती, बस जैसे हमार गाली एक है नदी गाड़ू बहुत फेमस बाटे और अगर हम नदी गाड़ू कह दिए तो आदमी हमारे तक पहुंच जाते हैं कि रोलिए हैं, तो हम मतलब बस एक ही गाली है दे था नदी गाड़े और सबके अच्छा लगा था सब कहते हैं। अगर जो हमने दिन ना वो बोलती अपने शॉर्ट वीडियो में इंस्टा बनाई था न बोला तो कहीं तोहरे मुँह नदी गाड़ू अच्छा लगा तो वैसे बोला करा। अच्छा हमारे विवरण की आप कैसे करिए नाइन अगरिया बेचारे के बोल दे काता काता है नदी ग्याड़ू चैनल के सब्सक्राइब कर ले जल्दी से।
देखो सब्सक्राइब कर लीजिए, रोली जौनपुरिया जी बोल रही है कर लीजिए। अच्छा ये बताइए रोली जी, मैं अक्सर देखता हूँ, अभी मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे जो गरीब घर का रहता है, मैं भी गरीब घर से हूँ लेकिन मैं पढ़ लिख के जो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा रहना चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मतलब मैं ही हूँ, अब जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, मतलब मैं भी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरा भी सब्सक्राइबर 40,000 कुछ है, तो जिनका भी अभी 5,000-10,000 जो भी मुझे बोलते हैं वीडियो बनाना है, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ और अपने पे कम्युनिटी भी रख देती हूँ, शेयर भी कर देती हूँ कि चलो ठीक है, अगर मेरे इतने करने से आपको खुशी मिलती है तो करना चाहिए। अच्छा ये हमें बताओ और रोली जी, जब आप स्टार्टिंग करी रहे तो घरे वाले जैसे त्योहार बहुत विरोध करेंगे, हमें बताए ना आप, जैसे आप बाहरी जाते हैं, जैसे लोग आप यहाँ आवत हैं, तो कैसे महसूस होते हैं? हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब लोग हमें जाना थे, पहचाना थे, वो सब के होता है, जिससे हम कोनो काम करी और वही काम से सक्सेस हुई, फिर चार जने हमका जाना थे, तो हमें जिससे हम भाई जौनपुर वगैरह का तो भी शूट पे जाये था ना, हमेशा हमका दुई चार जने मिले जाते कि तू रोली है उन्हें, मतलब जो अवधि कॉमेडी बनाओ तू, हम कही था हाँ, तो फोटो वगैरह भी सब लेते हैं। अब बहुत जने हमसे हिचकिचाते हैं कि लड़की है इन, कह दे बाबा हाँ सेल्फी ले भी दा, तो शर्मा ही तो क्यों, शर्माओ मत कर, बिंदास ले ले वगैरह, कोनो दिक्कत ना इन्हें। अच्छा ये हमें बताओ आप, एक हमारे यहाँ के प्रवीण यादव है ना, आपको बहुत वीडियो देख के हंसते थे, उनके का कहना चाहता है? बहुत हंसत है, बहुत हंसत, कहते हैं लड़की पागल होगा, कहाँ कहा जाते होंगे, फूक देव जरा जाए ही इतना हंसे ही था, और ज्यादा दिन हंसा पेट फट जाए यार। अच्छा और आप आगे चल के आप कहा बनना चाहते हैं? हम भाई बहुत बड़ा तब कुछ ना है ना, लेकिन हम अपन चैनल बहुत आगे ले जाए चाहते हैं, और अपने जैसे अवधि भाषा के बहुत ज्यादा मतलब जितना हमसे हो सके उतना चाहब, और इतना तो फिक्स बा हम जब तक यूट्यूब पे रह या कोनो भी प्लेटफॉर्म पे रह केवल अवधि में वीडियो बनाई। ऐसे न हो कि कोनो फिल्म लाइन में ऑफर आ जाए, वोमन न बोले पड़े तब ठीक बा, फिल्म में रहे भोजपुरी बनो पड़े जाई तो वो अलग बात बा, लेकिन अपने चैनल पे हम जहाँ अपन चीज करब कोशिश करब कि हम हमेशा अपने अवधि लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करी। अच्छा ये बताओ रोली जी, आप कब से यूट्यूब चैनल चालू करें? हमें 1 साल लगभग हो गई यूट्यूब चैनल क्रिएट करे, हम लास्ट ईयर जब टिकटॉक बैन भरा तो करे 1 महीना बाद से हम यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ आप कौन जगह से अपन वीडियो स्टार्ट किन, कॉमेडी बनाओ? कॉमेडी वीडियो पहले तो हम एक फ्रेंड के यहाँ रहे अपने यहीं गुलजारगंज टिकारी में, वहीं से टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियो बनवाते रहे, बाकी कॉमेडी जो स्टार्ट करे अपने घर से स्टार्ट करे हम। सबसे पहले आप कौन ऐप पर वीडियो बनाते रहे? सबसे पहले हम खाली टिकटॉक पे बनावत रहे, टिकटॉक पे, उकरे बाद यूट्यूब पे आई गए टिकटॉक बैन होए के बाद। अच्छा ये बताइए रोली जी, आपने क्यों अपना नाम रोली जौनपुरिया रखा? अच्छा मतलब मेरे मन में ऐसा पता नहीं क्यों आया कि पहले रोली, शुरू से ही मैं जब टिकटॉक डाउनलोड की और उसके बाद शॉर्ट वीडियो एक दो भी बनाई, बहुत लोग को देखी, नाम सबका बहुत था ये वो दिस दैट, जितने भी मतलब टिकटॉकर थे बड़े बड़े, बट हम सोचे आज नहीं, मतलब हम हमेशा से यही कर सोचते आए हैं ना, जो भी करेंगे वो इतने दिल और जान लगा के करेंगे कि उसमें सफलता लेके ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो वैसे ही मैं टिकटॉक जब था ना, एक भी फॉलोअर मेरे नहीं थे, तभी सोची थी आज नहीं तो कल मैं अच्छा फॉलोअर ला के ही रहूंगी, तो इसलिए मैं रोली जौनपुरिया ही रखी ताकि आगे चल के जो भी हो तो जौनपुर का अपने नाम हो और जौनपुर के नाम से मुझे जाने कि हाँ जौनपुर में एक रोली है। आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम करने के लिए आपने इसके लिए जौनपुरिया नाम रखा, तो जौनपुर वालों को गर्व महसूस होता होगा कि हमारे एक छोटे से गांव की एक बड़ी सी नाम कमा रही लड़की को, आप वैसे लोगों को जैसे जो आपके बीवर हैं आपको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? उनको बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी कि इतना अवधी भाषा में मतलब उन्हें सबके इतना धन्यवाद बोलब कि जितना ही कही उतना ही कम बा, जैसे पांच उंगली घी में रहे वैसन वाला धन्यवाद बोले चाहते हैं, कहे कि अब तक हम यूट्यूब पे है एक भी हमका बैड कमेंट ना आई है अभी तक, इतना मतलब प्यार और सपोर्ट सब करते हैं हम, मतलब इमोशन हो जाता है जैसे रोवे वाली है, इतना प्यार और सपोर्ट हमें यूट्यूब से मिला बाकी अभी तक एक ही बैड कमेंट ना आई है। अच्छा हमें बताओ जैसे आप यूट्यूबर एक बड़ी बनेंगी, गरीबों के लिए क्या आप कुछ सहयोग करेंगे? मैं तो अभी से ही करना चाहती हूँ, अभी मतलब यूट्यूब से मेरे थोड़े बहुत पैसे आने लगे हैं और इतना भी नहीं आता, मतलब इतना आता है कि मेरे नॉर्मल खर्चे ही पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी से ही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प करें दूसरों का, गरीबों का। अच्छा पत्रकार बंधु को क्या कहना चाहती हैं?
पत्रकारों को क्या कहना चाहते हैं अपनी भाषा अवधी भाषा में? कभी कभी सही न्यूज बनाओ थे गलत बनाओ थे? अब ठीक बनावा थे नैसन ना, लेकिन पत्रकार अच्छी चीज है भाई। काहे कि उनकरे वजह से, जैसे हम छोटे गांव से है जे हमका ना जाना था, अब आपके द्वारा आप बनाई ही शेयर करी और हमें लोग जाने लगे ही। और फिर जैसे नॉर्मल छोटी मोटी गांव में जो मुसीबत होता आप लोग जही शेयर कर रहे थे, पब्लिक देखा था और वायरल करा था सोशल मीडिया की वजह से तकुल होता। अब जैसे आप लोग शेयर करी वो चीज फैले तो केहू गरीबे की मदद हो आप लोग के वजह से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पत्रकार लोग खाली पैसा खाते हैं, क्या ऐसा बात सही है? ऐसा तो कुछ ना है, ना केकर पैसा खाए हैं नहीं बताए हमें। मतलब तो पत्रकार लोग मेहनत करते हैं? आपको मेहनत तो करते ही, अब आप ही इतने दूर से मेरे घर आए हैं, अब मेरे से पैसे थोड़ी ना लेंगे आप। मैं कहाँ पैसा, दो बार आया, दो बार पेट्रोल जल गया। एक बार आए और चले गए बेचारे, हम रहे ना आए और मतलब गए रहे हम शूट फिर गए, तब हम मतलब इनसे संपर्क भा घरे वाले बात करान तय कहन की बात करें, हम कहे कल आई जाए और नहीं कहनाते हम आ जाए नहीं तब हमारे दो तीन दिन और काम रहा, बट हम कहे चली देख ली। अच्छा, और हमारे विवरण के क्या कह चाहते हैं और आज अखबार वाले ने क्या कह चाहते हैं चैनल के बारे में क्या कह चाहते हैं? ये कही जाए थे कि पत्रकार के बारे में यान करे बारे में बुरा मत सोच जा, अच्छी चीज है भाई। अगर आदमी एजुकेटेड बाटे दूर तक सोचे तो कभी भी पत्रकार के बारे में बुरा न कहे। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है भाई और बहुत बुरी चीज है भाई, लेकिन कैसे आप यूज करते हैं वो अलग बात बा। बाकी सपोर्ट करें, अच्छी बात बा अपने गाँव के हैं पत्रकार भाई लोग कही ले जो सब्सक्राइब चैनल के ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो देखे हुए था। अच्छा ठीक बात है। अच्छा हमारे मेहरारू स्पेशल का कहे चाहते हैं? मेहरारू तार वीडियो हमारे देखे रहीन, बहुत हसत रहीन है और तुमसे कह रहे हैं कि ना मोबाइल दवाई दे कि ऑलरेडी बाउन करे लगे। अरे खिदवाए तोड़ दे फिर दूसरा मांगे थिन कहां से दे? नहीं जायदे इन करे जिए के आफत जिन करा आराम रची थोड़ा रुक जा दे दे ही मोबाइल ये सबर करा। रोली जौनपुरिया जी से बात हुई और ये ज्यादा बड़ी घर की नहीं है, इनसे खुद पूछेंगे कि आपका घर कैसा है मैडम, आपका घर आप कैसे किस परिस्थिति में है? ठीक है, इतना भी गरीब नहीं है कि मतलब पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर भी है, और क्या चाहिए है ना, मतलब मेरी आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति हो रही है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक ही ठाक है जो भी है। चलिए आपसे बात करके बड़ी अच्छा लगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के दुधौली गाँव में और रोली जौनपुरिया जी का इंटरव्यू ले, इनका असली नाम है रोली चौरसिया और जौनपुर की नाम रोशन करना चाहती हैं और गरीबों के बीच में हमेशा मसीहा बनना चाहती हैं और उनको मदद करना चाहती हैं। ये आज भी ज़्यादा इनकम नहीं करती तब पर भी गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहती है मदद करने के लिए। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए। आज़ाद यादव की रिपोर्ट जौनपुर।